ऐसा कभी हो सकता है कि हम भारत के सुपर कॉफ अजीत डोवाल को भारत का कोई काम हो और वो भारत के काम को अधूरा छोड़ दें? ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। भारत किसी मिशन को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा है। इसी कड़ी में मैंने आपको दो दिन पहले बताया था कि 48 आवर के अंदर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है और वो एक्शन होता दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी LAT के जो टेररिस्ट हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया है। माइग्रेंट जितने हैं इसको स्टाफ डायरेक्टली हॉट टू लीव दे दिया गया है। उनको छुट्टी जितनी भी दी गई थी उनको रद्द कर दी गई है और NIA ने रेड मार दिया 16 जगहों पर गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ CBI ने भी गिरफ्तारी करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको भी गिरफ्तार करना चालू कर दिया गया है। और एंटी मिलिट्री ऑपरेशन मिलिटेंसी ऑपरेशन इन JK और 7 मिलिटेंट्स किल्ड सिंस मंडे नाइट और सोमवार की रात में वहाँ पे बहुत सारे मिलिटेंट्स को मारा भी गया। जितने भी आतंकवादी हैं जितने भी ये लोग ने रचा था ये आसपास के सेवरल एरियाज में रहते हैं, इन लोगों को ही मार गिराया और लगातार इस चीज़ में भारत सरकार एक्शन में दिख रही है। और मैंने आपसे बताया भी था कि 48 घंटे ज़्यादा नहीं सिर्फ 48 घंटे के अंदर में आपको बहुत बड़ा एक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और 48 घंटे के अंदर में जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने किया था अब वो मौत की घड़ी की तारीख गिन रहे हैं कि अब हम किस वक्त मर सकते हैं। ये माहौल बना दिया है हमारे जेम्स बॉन्ड ने। इस पर आपकी क्या राय है? भारत सरकार जो इतना स्ट्रिक्टली हैंड ओवर कर रही है इस चीज़ को, इतना स्ट्रिक्टली दे रही है इस मौके पे चौकों को, कैसा आपको ये पूरा एक्शन लग रहा है? और जम्मू कश्मीर इतना छोटा सा एरिया में है और जस्ट उसके बगल में बहुत क्रिटिकल एरिया है पाकिस्तान और उसके जस्ट बगल में सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिटिकल एरिया है अफगानिस्तान, उसके बावजूद भी भारत कहीं भी एक्शन लेने से चूक नहीं रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और इंटरनेशनल पैसिफिक में भारत को इसीलिए मतलब मान सम्मान रिस्पेक्ट जो ही मिलती है उसके ठोस एक्शंस जो कहता है वो करता है, ये सारी चीज़ों की वजह से भारत को और ज़्यादा रिस्पेक्ट माइनर करती है। अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दौरा रद्द नहीं किया। और कोई मिनिस्टर होता किसी भी इंटरनेशनल कंट्री का तो वो अपना दौरा रद्द कर सकता था क्योंकि इतने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वो जाता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी उन्होंने दौरा रद्द नहीं किया है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम ऐसे देश में हैं कि जहाँ के गृहमंत्री ऐसे हैं, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जहाँ के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऐसे हैं। मार 48 घंटे के अंदर में सिविलियंस को किसी ने छुआ तक नहीं है। डायरेक्टली NIA CBI जो भी रेड कर रही है, टेररिस्ट अटैक कर रही है या जो भी गिरफ्तारी कर रही है सिर्फ और सिर्फ चिन्हित लोगों के लिए कर रही है। इन पे जम्मू कश्मीर से अगर आप हैं तो आप बताइए इसमें आपकी क्या राय है और जो भी सरकार कर रही है इसमें आप कितने खुश हैं, इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।